सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग मजे में होंगे, खुश होंगे। अगर नहीं होंगे ना तो इस वीडियो को देखने के बाद में हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी जानकारी बताने वाला हूं। जैसे कि OB40 अपडेट 31 मई को आने वाला है, तो उसके बाद में हमारे गेम में इलाइट आलोक कैरेक्टर आने वाला है, सोनिया कैरेक्टर आने वाली है, एक नया पेट आने वाला है जिसका नाम है अमेरिकन बुलडॉग और गेम के अंदर इसका नाम रहेगा PUG पग। तो यार इस वीडियो में मैं आपको इलाइट आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी को गेम के अंदर टेस्ट करके बताने वाला हूं, सोनिया कैरेक्टर की एबिलिटी को गेम के अंदर टेस्ट करके बताने वाला हूं, पग पेट की एबिलिटी को गेम अंदर टेस्ट करके बताने वाला हूं। तो ये वाला वीडियो बहुत ही अमेजिंग और ढांसू होने वाला है। वाओ एंड यार, अब मैं आपको OB40 अपडेट में आने वाले एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ जिसे देख करके आपको मजा ही आ जाएगा और जहाँ से बहुत सारे रिवार्ड फ्री में मिलने वाले हैं, लिटरली बहुत सारे रिवार्ड फ्री में मिलने वाले हैं। और यकीन नहीं हो रहा होगा ना, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एडवांस सर्वर की लिंक देने वाला हूँ जहाँ से आप खुद जाकर भी देख सकते हो। तो क्या होगा, OB40 अपडेट 31 मई को आएगा ना, तो जैसे ही गेम ओपन करोगे लेफ्ट साइड के कॉर्नर पर FF नाम का न्यू आइकॉन देखने मिल जाएगा। इस पर जैसे क्लिक करेंगे अचीवमेंट्स का न्यू सिस्टम आने वाला है जहाँ पर हम लोगों को मिशन कम्प्लीट करना रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मास्टर्स यूनाइटेड करके न्यू मिशन है, जैसे हम लोग CS में मास्टर पर चल जाएंगे हमारा एक मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक गिफ्ट वाला आइकॉन बना हुआ है, जैसे गिफ्ट वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे जैसे हमारे 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग नॉर्मली BR रैंक क्लासिक खेलेंगे तो पॉइंट्स कंप्लीट होते रहेंगे, जैसे मैंने एक दो गेम खेला तो मेरे 1000 पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। तो यहाँ पर देखो मुझे अवतार और बैनर मिल गया, जैसे 2000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे ये वाली जीप की स्किन मिल जाएगी, 3000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे पिन मिल जाएगा, 4000 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पर पैराशूट मिल जाएगा, देन यहाँ पर लूट बॉक्स भी है, ग्रेनेड भी है, और 8000 पॉइंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम सभी को एक इमोट मिलने वाला है। हालांकि अभी ये वाला इमोट गेम की फाइल में ऐड नहीं हुआ है, लेकिन OB40 अपडेट के बाद में ऐड हो जाएगा। एंड इतना ही नहीं, इस वाले इवेंट से बैटल वाले सेक्शन से हम लोगों को एक ग्लोवाल की स्किन भी फ्री में मिलने वाली है, P90 गन की स्किन भी मिलने वाली है, साथ ही में साइथ की स्किन, MP5 की स्किन, मतलब कि अचीवर की थीम पर बेस्ड जितने भी रिवार्ड है ना, सारे रिवार्ड हम लोगों को अचीवमेंट कैटेगरी रिवार्ड्स के अंदर से मिलने वाले हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि OB40 अपडेट के बाद में ये यहां से कैसे रिवार्ड को क्लेम करना है। बाकी अपडेट जैसे आ जाएगा मैं आपको एक बार और कंप्लीट करके बता दूंगा। तो आई होप आप सभी को ये वाली जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यार आइए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ गुड बाय इनक्यूबेटर के वाले इवेंट के बारे में। तो यार जैसे इस वाले इवेंट को मैंने गेम में देखा ना, तो मेरा जो रिएक्शन था ना वो कुछ ऐसा था, ये टट्टी किसने की है भाई? लोग सच में गरीना फ्री फायर ने हम लोगों के साथ स्कैम कर दिया है, क्योंकि गरीना फ्री फायर को ये वाला इवेंट देना चाहिए था जो कि 17 मई से लेकर के 13 जून तक चलता, और इस इवेंट का नाम होता गुड बाय इनक्यूबेटर, जिसमें एक्सचेंज करने पर हमको बंडल्स मिलते डीनो वाले और गन की स्किन मिलती। लेकिन गरीना फ्री फायर ने कौन सा इवेंट दिया भाई, एक एवोल्यूशन स्टोन को एक्सचेंज करने पर सिर्फ 5 मैजिक क्यूब के फ्रेगमेंट मिल रही है, और इनक्यूबेटर वाउचर को एक्सचेंज करने पर डायमंड वेपन और गोल्ड रॉयल वाउचर मिल रहा है। भाई ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी इस वाले इवेंट में कोई भी एक्सचेंज मत करना, OB40 का अपडेट आने दो। हो सकता है गरीना फ्री फायर थोड़ा इस इवेंट में छेड़छाड़ करे और हम लोगों के लिए अच्छे रिवार्ड ऐड कर दे। सो आई होप आप सभी को वाली अपडेट अच्छी लगी होगी। इस अपडेट से रिलेटेड और भी कुछ पूछना होगा ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। बात तो सही है। तो यार अब आता है इस वीडियो का सबसे मजेदार वाला पार्ट, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मीम के पिटारे से एक और जबरदस्त वाली मीम। चलिए शुरू करते हैं। तो यार आपको पता होगा हमारे गेम में जो नॉर्मल VSS रहती है वो कितना कम डैमेज देती है, तो उसी से रिलेटेड वाली मीम है। Whenever I am getting short of VSS, the player का रिएक्शन भी लाइक तो यार हमारे फ्री फायर में और कौन कौन सी गन ऐसी है जिसके साथ ये वाली मीम को जोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा उस गन का नाम। सो आई होप आप सभी का वाली मीम अच्छी लगी होगी, रिलेटेबल लगी होगी। तो यार वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़े उसके पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार। क्या सिर्फ कसम देने वाले क्रिएटर को ही लाइक करोगे, हमको नहीं करोगे? कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं यार, सच में यार मेहनत करने वाले को लाइक नहीं करोगे बुरा लगता है। तो जल्दी से अपने प्यारे प्यारे हाथों से नीचे जाइए, वीडियो के लाइक के बटन को लाइक कर दीजिए यार, और चैनल पर नए हो तो इसी अमेजिंग और प्यारी सी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आइए देख मजा आएगा। तो यार आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे गेम में आने वाले नए कैरेक्टर के बारे में। तो OB40 अपडेट के बाद में दो नए कैरेक्टर आने वाले हैं, अवेकन आलोक और सोनिया। तो इन दोनों कैरेक्टर में सोनिया कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली, इसकी एबिलिटी देखो गरीना फ्री फायर ने क्या लिखा है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग मान लो गेम खेल रहे हो, अगर इनिमी ने आपको 200 से ऊपर का भी डैमेज दे दिया, आप लोग पूरे मर भी गए फिर भी आप मरोगे नहीं,
आपको एक शील्ड दी जाएगी जिसमें आपकी एक एचपी रहेगी और 150 टेम्परेरी एचपी रहेगी, और आप लोग एनिमी को मार करके दोबारा से जिंदे हो सकते हो, 6 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो इसकी एबिलिटी कैसे काम करने वाली है पूरी जानकारी मैंने सेकंड चैनल में ये वाले वीडियो में दे दी है, ये वाला वीडियो अभी अभी डाला है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ अवेकन आलोक इलाइट आलोक कैरेक्टर की एबिलिटी के बारे में। तो देखो यारो, गरीना फ्री फायर ने इसकी एबिलिटी का नाम रखा है पार्टी रिमिक्स, और ये एक्टिव एबिलिटी का कैरेक्टर रहने वाला है। और यहाँ पर गरीना फ्री फायर ने एबिलिटी के बारे में लिखा है, अवेकनिंग विल द ऑरा इज एक्टिव म्यूजिक नोट दैट लास्ट फॉर 5 सेकंड विल बी ड्रॉप 2 मीटर बिहाइंड द स्किल यूजर एवरी 2 सेकंड। टीममेट्स हु पिक अप द म्यूजिक नोट विल रिसीव द सेम इफेक्ट एज द ऑरा। तो चलिए गेम में जाकर के इसका यूज देख लेते हैं। तो देखो मैं ऊपर से कूदा तो मेरी अभी है 20 एचपी। जैसे मैंने इलाइट आलो कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन किया मुझे यहाँ पर 3-3, 2-2 एचपी करके मिलते गई और 10 सेकंड तक मुझे 30 एचपी मिल गई। तो इस टाइप से आलो कैरेक्टर की एबिलिटी और इलाइट आलो कैरेक्टर की एबिलिटी सेम ही है, लेकिन इलाइट आलो कैरेक्टर की एबिलिटी की खास बात यह है कि जैसे इसकी एबिलिटी ऑन करेंगे बीच बीच में म्यूजिक का नोट छोड़ रहा है। ये देखो जैसे इस म्यूजिक के नोट के पास जाकर के हम खड़े रहेंगे हम लोगों को ज्यादा एचपी नहीं मिलेगी, मतलब कि सेम ही मिलेगी। लेकिन मान लो अगर हम अपने फ्रेंड के साथ खेल रहे हैं और हमारा फ्रेंड अगर इस म्यूजिक के नोट के पास जाकर के खड़ा रहेगा तो उसको एक्स्ट्रा 30 एचपी मिलेगी। इस टाइप से ये जो इलाइट आलो कैरेक्टर है ना, ये हमारे फ्रेंड के काम में आने वाला है, ना कि हमारे काम में आने वाला है। तो अगर आप लोग सोलो खेल रहे हो तो आप लोग आलो कैरेक्टर लेकर ही खेलना, लेकिन अगर आप स्क्वाड में खेल रहे हो अगर आपके फ्रेंड को एचपी की जरूरत है तो आप लोग इलाइट आलो कैरेक्टर की एबिलिटी ऑन करना, उसको 60 एचपी मिल जाएगी। उससे मेरा क्या फायदा? एंड यार ओबी40 अपडेट के बाद में रिवाइवल सिस्टम भी चेंज होने वाला है, और कैसे चेंज होगा बताऊं? ये जो प्लेन के ऊपर और मैप के बीचों बीच आप लोग लोकेशन देख रहे हो ना, ये कलर क्यूब देख रहे हो ना, यहाँ से हम लोग रिवाइव हो पाएंगे। तो रिवाइवल सिस्टम कैसे काम करने वाला है ये पूरी जानकारी सेकंड चैनल के वाले वीडियो में मैंने बता दिया है, तो आप लोग जाकर के जरूर से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत सारी जानकारी मैंने बताया हूं। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो यार आइए अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओबी40 अपडेट में आने वाले नए और मजेदार इमोट के बारे में। तो पहले इमोट का नाम है फिशिंग फॉर विजडम। इसमें क्या होगा, हमारा कैरेक्टर चेयर पर बैठेगा और ये जो मछली पकड़ते हैं ना, ये वाला हथियार ये पानी में फेंकेगा, इसके जाल में एकदम बड़ी वाली मछली फंस जाएगी, और ये जैसी जाल को अपनी ओर खींचेगा एकदम बड़ी वाली मछली इसके हाथ में आ जाएगी और मछली उछलते रहेगी। और ये वाली पोजीशन गरीना फ्री फायर इसको फ्रीज कर देगा, मतलब कि अगर आप लोग जॉयस्टिक से भी चलाओगे तो ऐसे ही कैरेक्टर करते जाएगा, मतलब कि ये वाली जो पोजीशन है फ्रीज हो जाएगी। तो ये वाला इमोट हमारे ओबी40 अपडेट के दौरान हमारे गेम में आने वाला है। इसके बाद में जो दूसरा इमोट है उसका नाम है प्ले विद थंडर बोल्ट, मतलब कि बिजली से खेलने वाला इमोट। और इसमें क्या होगा, हमारा कैरेक्टर भाई बिजली से खेल रहा है, देखो भाई कितना पावर आ गया इसके हाथों में। तो ये दो इमोट हमारे गेम में आने वाले हैं। सो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा। तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अपडेट की ओर। मजा आया। तो यार अब मैं आपको बताने वाला हूँ ओबी40 अपडेट की यूजर इंटरफेस के बारे में। तो ओबी40 अपडेट के बाद में जैसे आप लोग गेम ओपन करोगे, हमारे गेम में जो लॉबी रहती है वो कुछ इस टाइप से देखने मिलेगी। वॉलेट, वेपन, कैरेक्टर और लेव वाला ऑप्शन नीचे आ जाएगा। बुया पास, मिशन, इवेंट, ये आपको लेफ्ट साइड में देखने मिल जाएगा। और बैकग्राउंड के पीछे आप लोग ये जो लॉबी देख रहे हो ना, ये लॉबी है हमारे 6th एनिवर्सरी इवेंट की, मतलब कि ओबी40 अपडेट में हमारे गेम में 6th एनिवर्सरी का इवेंट आने वाला है। और 6th एनिवर्सरी इवेंट में हमारे गेम में न्यू ईओ MP40 2.0 भी आने वाली है। ओबी40 अपडेट के बाद में 3-3 बनी बंडल के कलर आने वाले हैं। और जो ओबी40 अपडेट में जैसे आप लोग फ्री फायर अपडेट करोगे ना, तो फ्री फायर का लोगो कुछ इस टाइप से रहने वाला है। तो यार आइए अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि मैं जिस एडवांस सर्वर को यूज करता हूँ और जिसके पास भी एडवांस सर्वर नहीं होगा, अगर उसको एडवांस सर्वर डाउनलोड करना है तो कैसे कर सकता है। तो उसके लिए मेरे सेकंड चैनल पर जाइए, अगर नहीं मिलता तो सर्च कीजिए क्रिएशन ओपी और मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे आज ही आप लोग एडवांस सर्वर की फाइल को डाउनलोड कर सकते हो और एडवांस सर्वर के फुल मजे ले सकते हो। उसमें 8-8 इमोट आप लोगों को फ्री में मिलेंगे, बहुत सारे डायमंड फ्री में मिलेंगे और भी बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में बता दिया है ओबी40 अपडेट की 6th एनिवर्सरी इवेंट के बारे में, कौन कौन से फ्री में रिवॉर्ड मिलेंगे उसके बारे में। तो बहुत सारी जानकारी है, तो वाला वीडियो जाकर के जरूर देख लेना। तो यार आई होप आप सभी के वाले वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे हम उसी वाले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल जरूर रखिएगा।